ये दो नदियां अलकनंदा और भागीरथी, मध्य में चंद्रकूट पर्वत के नीचे ग्राम डोब हमारा गांव पड़ता है। नीचे तरफ उस तरफ जो है ये तुलसी, हमारी काली तुलसी, ये शुगर के जो पेशेंट होते हैं हमारे लिए, उनके लिए कपूर जो होता है, ये पूजा का कपूर, ये हमारे जो कपड़े में जो हम डालते हैं। तो ये सेब है, अब सेब, ये सेब है वो जो आजकल हिमाचल में बहुत प्रतिष्ठित बना हुआ है कि आपका जो है गर्म से गर्म जो इलाका होगा ये रीठा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने डिजिटल न्यूज चैनल पुनः गांव की ओर एक नई सोच में, नए अंदाज के साथ, कुछ पुरानी बातों को लेकर जिसे हम भूल चुके थे। और आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने वो कर दिखाया जो हम मात्र सोचते हैं और तरह तरह की वीडियो में देखते हैं, और वहां तक जो सौभाग्य हमें मिला पहुंचने का, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले ये है हमारे उदय पथियाल जी, जिन्होंने ये बारे में बताया। तत्पश्चात डॉक्टर प्रशांत मंगाई जी, जिनका ये पैतृक गांव भी है और यही इनका जन्म हुआ। और उसके बाद मैं मिलवाता हूं आपको श्री विपिन ममगाई से, जो दिल्ली में रहते थे और रहते हैं, दोनों बात हम कह सकते हैं, पर अब ये भी गांव की तरफ लौट चुके हैं और बहुत कुछ इनका प्लान है, वो भी आपको आगे बताया जाएगा। हाल ही में इन्होंने अपने गांव में घर बनाया, उसको भी दिखाया जाएगा। चलिए अब मैं मिलाता हूं आपको उन महापुरुष से जिनका नाम है श्री बिल्लेश्वर झिल्याल जी। और ये देख सकते हैं आप हमारे पीछे ये नर्सरी, अकेले ही इस घनघोर जंगल में, यानी कि जंगल में मंगल, वो कर दिखाया हमारे झिल्याल जी ने। झिल्याल जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई और धन्यवाद उस प्रभु का जिसने आज यहाँ तक आने का मौका दिया। और अब मैं जानना चाहूँगा झिल्याल जी थोड़ा अपना परिचय दें, अभी हम कहाँ पर हैं, क्या है, ये सब आपने बताना है, हम कौन जगह पे हैं, तो आपका स्वागत है। प्रणाम मित्रों, पहले तो आपको हमारी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पे आपको हृदय से स्वागत करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं बिल्लेश्वर झिल्याल, मेरा नाम, गांव मेरा डोब चंद्रबन्नी। अब ऐसा अगर मैं परिचय देना चाहूँ आपको तो ये दो नदियां अलकनंदा और भागीरथी, मध्य में चंद्रकूट पर्वत के नीचे ग्राम डोब हमारा गांव पड़ता है और वर्तमान में गांव में ही रहता हूं। तो मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री कुलानंद झिल्याल जो फॉरेस्ट उसमें कार्यरत थे, अब स्वर्गीय हो चुके हैं, उनकी प्रेरणा से मैं आज इस जंगल के अंदर बैठा हूं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जंगलों के उसमें जो है अपना जीवन यापन किया है, तो क्यों नहीं मैंने कहा अपनी पैतृक संपत्ति के अंदर अपना जीवन यापन करूं, न कि कहीं बाहर के उसमें जाके कहीं विदेशों में बस के अपने जो है पैतृक गांव में मेरा अपना कोई ठिकाना बना रखा है। और यही मेरा परिचय है। बाकी मैं 1974 से पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा हूं। इस बीच मैंने थोड़ा कहीं नौकरियां भी की, पर मेरा मन उन नौकरियों से हटके जो है मेरे पर्यावरण के प्रति लगाव रहा, वन्य जीव संरक्षण के लिए, वन जल जंगल जमीन के लिए अपना संघर्ष चलता रहा। मैंने वो नौकरियों को छोड़ के और अपने ही पैतृक जमीन पे जो है ये कार्यक्रम शुरू किया। ये पहले 10 साल पहले भी ये कार्यक्रम था, उसके बाद बीच में कई अवरोध होने के कारण जो है मैं इस कार्य को नहीं कर पाया। यहाँ किसी शरारती व्यक्ति ने आग लगा दी थी, मेरी सारी झोपड़ी झापड़ी जो थी हमारी बहुत थी वो सारी जला दी थी, मैं थोड़ा उससे लाचार हो गया था, मैंने वो कार्य छोड़ दिया था। उसके बाद पुनः मैंने जो है इसको, ये लॉकडाउन जो हमारा लगा इस समय ये कोरोना काल का, तो उसमें मैंने फिर इसको जो है फिर नए ढंग से इसका जीर्णोद्धार किया। और आज आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वो व्यतीत करता हूं आपका कि आपने जो है इस जंगल में आके जो है अपना अमूल्य समय दे के जो है आज मेरा जो है कुछ कार्यक्रम देखने का आपका जो है मन बना है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका स्वागत है और धन्यवाद तो हमें आप करना चाहिए और सभी सोशल मीडिया के जितने भी अपने मित्र भाई बहन हैं उन सभी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जो हमारे द्वारा दिया गया जो मैसेज है, जो व्यवहार है, उसको समझते हैं
और अपनी प्रकृति के बारे में जो हम संदेश देते हैं, गांव के बारे में संदेश देते हैं, उसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और आगे जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाएंगे कि नर्सरी में हमारे झीलाल जी ने क्या क्या जो है यहाँ पर ये लगा रखा है, इसके बारे में अब आपको विस्तार में बताया जाएगा। तो साथियों, हम जानना चाहेंगे झीलाल जी से ये पौधे किस प्रजाति के हैं और क्या इनके अहम फायदे हैं, क्योंकि हम तो मात्र पौधा देखते हैं, उनके पत्ते देखते हैं खुश हो जाते हैं, पर इन्होंने जो प्रजाति यहाँ पर जिंदा रखने की कोशिश करी है जो लुप्त हो रही थी, आज वे इसके बारे में हम सभी को विस्तृत जानकारी देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरा संदेश समझेंगे और जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तब जाके हमारा पहाड़ बच जाएगा। पहाड़ क्या, पहाड़ में आके हम बच पाएंगे। तो झीला जी, मैं जानना चाहूंगा, आप थोड़ा बताएंगे आप। जी, मैं पुनः धन्यवाद अदा करता हूं आपका, जो आपका ये चैनल बना है हमारी माने जो क्षेत्र का। मैं तो गढ़वाली में कह सकता था, मगर कोई कई लोग हमारे ऐसे मित्र हैं कि जो बोलते हैं यार गढ़वाली हमारी समझ में नहीं आती, हमारे गांव के जो बाहर रहते हैं बेचारे नहीं आते उनको गढ़वाली में। हम जानते हैं, हम तीन भाषाओं को ज्ञाता, मैं भी हूं, पर हिंदी ऐसी कॉमन भाषा बन गई है कि उसको हर आदमी जो है समझ पाता है। कोई गढ़वाली या मैं अंग्रेजी में बोलूं या कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं तो ये बात उचित नहीं लगती मुझे। हाँ, लेकिन बीच बीच में आपका आभार इसलिए व्यक्त कर रहा हूं कि आपने जो ये चैनल बनाया हमारे लोकल क्षेत्र के लिए, लोकल समस्याओं के लिए, इसलिए मैं इस चैनल का पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आप मेरी इस जो है बंजर जमीन को देखने के लिए, यहां मैं किस ढंग से इसको डेवलप कर रहा हूं, इस जमीन को आप जो है जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो ब्रांच क्षेत्र है, हमारे यहाँ बांझ प्रजाति के जो वृक्ष हैं वो दुर्लभ प्रजाति में गिने जाते हैं। ये देख लो आप, मैं कहीं बीज लाके ये मैंने यहाँ काफल का पेड़ तैयार कर रखा है, ये काफल का पेड़ है, ये देखिए सर, आप दिखाओ, हाथ लगाइए, इसको इस ढंग से तैयार कर रखा है कि ये जंगली जानवरों से बचाना, वो करना, सो करना, इसमें जो है जब हमारे पास संसाधन नहीं है तो हमने लकड़ी का एक ट्री गार्ड बना के उसको जो है ये कर रखा है। बाकी और ये जो ये समझ और फूल बाल वगैरह वगैरह तो हमारे अपने जो प्रकृति को सौंदर्य सजाने के लिए जो कर रखे हैं, हम इस धरा माँ के पुत्र हैं तो हम कुछ ना कुछ जो है इसको सजाने संवारने का काम करेंगे। अब आपको नीचे तरफ अगर मैं ले जाऊँ तो नीचे तरफ उस तरफ जो है ये तुलसी है हमारी, काली तुलसी, ये शुगर के जो पेशेंट होते हैं हमारे लिए उनके लिए चाय का काम करते हैं। वहां तक पहुंच सकते हैं? जरूर पहुंच सकते हैं, तो आइए इन खेतों से ही पहले शुरू हो जाए। ये जो है ये रीठा है जो आयुर्वेदिक उसका भी महत्व रखता है, और पुराने जमाने में हमारे जो पूर्वज थे इनसे अपने कपड़े कुपड़े धोने का ये काम करते थे, और आज के जमाने में इसको कपड़े धोने के बजाय जो है इसको मेडिसिन के उसमें जो है आयुर्वेदिक उसमें इसका प्रयोग किया जा रहा है। रीठा रीठा शैम्पू का काम वाला, ये वाला साहब, और ये जनाब जी, ये भी रीठा है सर। अच्छा, ये भी रीठा की, ये रीठा की पौधा है, रीठा ही पौधा है जी साहब। और ये जामुन है, ये साहब जामुन, ये जामुन है, ये जामुन का हम इस चीज का, इसका जामुन का सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाते हैं, पर मैंने किसी उसमें एक यूट्यूब पे मैंने एक चैनल देखा था, उस चैनल को खोल के देखा तो ये हम जब भोजन करते हैं या किसी प्रकार की या दाढ़ी या मोच वगैरह पर कोई चीज बनाते हैं, जो अगर पेट में हमारा जो बाल चला जाता है वो बाल गलता नहीं है, तो किसी वो वैज्ञानिक बता रहा था कि अगर इसका फल आदि तीन चार दिन लगातार खाए तो वो बाल जो है उसके पेट से गल जाएगा, ना इधर उधर कोई चुमन करेगा। तो थोड़ा मैंने प्रैक्टिकल रूप में कि पेड़ अगर बड़े हो जाएंगे तो मेरा जो ये क्षेत्र है, ये नर्सरी वाला जो क्षेत्र है, ये कम से कम 15-20 नाली पे फैला हुआ है, तो कहीं ये दो चार पेड़ मैं यहाँ लगा दूं और लोगों को जो है इसकी यहाँ मेरी नर्सरी में जो है उनको दवाई के रूप में मिले। आप देखा, सुना आपने, जामुन का फल जो इसकी गुठली जो इसको खाने से जो पेट में बाल चला जाता है उसे गला देता है, ये बहुत बड़ी बात है, पहली बार सुना है। शुगर की बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है। अच्छा, मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब आप अगर आ आते तो थोड़ा सा आप भी बताते इसके बारे में, आपको भी जो जानकारी है। खैर, वो जो बता रहे हैं बिल्कुल ट्रेडिशनल जानकारियां और बहुत सही जानकारियां हैं, और जामुन का जो उपयोग है वो शुगर के जो मधुमेह के जो जितने रोगी हैं उनमें भी जो है इसको मतलब बहुत अच्छी औषधि माना जाता है मधुमेह का। आपने देखा होगा जामुन का सिर का कई चीजें मेडिसिन आती हैं उसमें भी इसका हुआ है। अच्छा, मेरा भी एक प्रश्न था अपने चाचा जी से, ये जो पेड़ों का जो संवर्धन है चाचा जी, ये मतलब आपने क्या बीज के माध्यम से किया है? ये बीज के ही तौर पे है, बीज के तौर पे है, बीज दुर्लभ के मतलब बीज मंगवा के आपने मंगा के पौधे तैयार करे। जैसे ये जामुन का बीज है जी जी। ये जामुन का पौधे इस समय यहाँ ऐसी जगह पे होगा इसका पौधा जहाँ दुनिया भर का घास झाड़ी वगैरह वगैरह होगी, तो ये दुर्लभ बीज में गिना जाए, ये दुर्लभ उसमें गिना जाए क्योंकि ये जंगली है और मेडिसिन है,
अब ये दुर्लभ जो चीजें होती हैं और मेडिसिन टाइप की जो चीजें होती हैं उसको आज मैं अपनी सोप केस में सजा के नहीं रखता है, क्योंकि होते ही जंगलों में एक दुर्लभ चीजें हैं। ये सजीवन बूटी है, आज रामदेव जो है जगह जगह ढूंढ रहा है सजीवन बूटी, ये तो सजीवन बूटियां हैं। तो सजीवन बूटियां ये कहीं ऐसी जगह नहीं मिलेंगी, वो कहीं पहाड़ों में कंदरगांव में ऐसी जगह मिलेगी जहां हमें समय से उपलब्ध नहीं हो पाती है, तभी उनका असर होता है। और हर समय अगर उसको हम जो है अब संरक्षण में रखेंगे तो वो उतना पावरफुल नहीं होगा। आप जानना चाहो ये कुछ लग रहा है जैसे कि ये भी रेठा ही है। रेठा ही है जी सर, ये तो है। क्या कहते हैं टिमरू? टिमरू उधर है, उधर ये कागजी नींबू है जो बारहमासी जो हमारे यहाँ कागजी नींबू होता है ये है। आज इसकी बहुत बड़ी मांग है और मैंने थोड़ी बहुत जो भी इसको तैयार कर रखा है ये कर रखा है। बाकी ये जंगल है, जंगल में कीड़े मकोड़े दुनिया भर के जो है वो कीट पतंगे हैं, उन्होंने सारे इसके पत्ते पत्ते खा गए। मैंने इसमें दवाई दवाई का छिड़काव किया तो ये पतझड़ हो गया है। वैसे अभी इसके ऊपर पूरी जान है। ये कई लोग इसको पया बोलते थे, बोल रहे हैं अभी जी। ये कपूर है जिसे हमारे कपूर जो होता है ये पूजा का कपूर या हमारे जो कपड़े में जो हम डालते हैं तो इसके गोंद द्वारा इसको निकाला जाता है। सोच साथ के जो भी उसका बनता होगा इसके तो हमें इसकी जानकारी नहीं है, पर मैंने उसको बोला कि तू कपूर का बेच दे मुझे, तो एक किलो कपूर में खाली एक पेड़ जमा हुआ है, इतने मुझे हानि हुई है। 800 रुपए का बीज था, वो सारा चूहा खा गया। अब लोगों ने मुझे भ्रमित किया क्योंकि मैं जिस चीज को नहीं तैयार कर रहा हूं तो उसमें थोड़ा मेरा जो है ध्यान कम रहता है, क्योंकि अब लोग भ्रमित कर देते हैं कि नहीं होगा ये, तू गलत चीजें कर रहा है वो कर रहा है। पर आज जब तैयार होता तो मैं भ्रमित नहीं होता। अब एक किलो बीज में मैंने एक पेड़ तैयार कर रखा है, किसके लिए ये बिकेगा नहीं कुछ नहीं, मैं अपनी नर्सरी में, क्योंकि यहाँ बहु प्रजाति का मैं एक ऐसा कोई संग्रहालय टाइप का बनाना चाहता हूँ कि इस पे इन पे नेम प्लेट लगेंगी, बाकायदा इन पे समय डेट लगेगी, फ्लाइट डेट को हमने इसको रोपण किया है। ये मेरे खाली वो संग्रह के लिए कर किया है। ये आपको मैं बताऊँ ये पेड़, आप छोटा सा पेड़ दिख रहा होगा, ये पत्ती वालों को जी हाँ, ये जो हमारे छुआरा बोलते हैं खजुरा भी जिसको बोलते हैं जी, ये खजुरा है, वो छुआरा का बीज है, क्योंकि मुझे कहीं से मिले दो बीज यहाँ खाने के लिए मिले तो मैंने कहा उसका बीज का जो है उसको माने उसके बाहर का जो खाने वाली चीज वो खा के बाकी उसमें। अब जो बोले आप ये दो चार पेड़ मैंने तैयार करके जी हाँ। अब ये है अशोक, अच्छा अशोक का पेड़, ये अशोक का पेड़। अच्छा एक अशोक तो वो होता है जो मतलब सजावट के लिए प्रयोग में आता है जी जी। अब मैंने देखा घरों में लोगों ने लगाए रहते जी, ये वही है जंगली प्रजाति। इसके अंदर तीन वैरायटी है जी जी। ये है झाड़ वाला, जैसे हमारे ये और पेड़ होते हैं जैसे मैंने लंबी चौड़ी शाखाओं वाले वो ये कि इसका कायर जो झाड़ वाला लंबा होता है वो अशोक लाट वो अलग है हाँ। वो मैंने बीज लाया था पर वो बीज हमारे यहाँ से नहीं हुआ, क्योंकि बीज पेड़ से गिरने के तुरंत 12 घंटे बाद में उसको मैंने जर्मिनेशन के लिए जमीन के अंदर छोड़ना पड़ता है। अब मैं देहरादून से जब बीज लाया तो उसको काफी टाइम हो गया था और वो जर्मिनेशन नहीं कर पाया, वो एक किलो बीज मेरा खत्म हो गया। ये है साहब सेब, ये सेब का पेड़ है, ये सेब है। अब सेब ये सेब है वो जो आजकल हिमाचल में बहुत प्रतिष्ठित बना हुआ है कि आपका जो है गर्म से गर्म जो इलाका होगा वहां ये उत्पादन होगा। ये बेर एपिल है, अच्छा ये 700-800 रुपए का बीज है, ये मात्र 50-20 पैकेट के अंदर थे। तो 50 में 50 पौध जो है ये मेरी सक्सेस हो गई है। अच्छा इसके अंदर आपने ये क्या बना रखा है आप थोड़ा दिखाइए जरा, अपनी कुटिया है आपकी? ये कुटिया सर बहुत सुंदर दिखाई जरा, तो आइए आइए आप जूते उतारने पड़ेंगे, आइए आइए यहाँ तो बहुत कुछ दिख रहा है साहब, लगता है आपको काफी अवार्ड मिल चुके हैं, पुरस्कार आपको बहुत मिले ऐसा लग रहा है और इसके काबिल भी आप है। उदय जी मैं चाहूंगा ये सब दिखाएं आप, हाँ दिखाएं, ये देखिए आप, इसका मतलब आप जो है काफी समय से जो है मैं बता आपको मैं इस अवार्ड के लिए नहीं जी। ये मैंने एक संग्रह इसलिए किया है इधर कि आदमी का इस कलयुग में कोई भरोसा नहीं है कब उसकी घड़ी की सुई लटक जाए। ये संग्रह मैंने इसलिए कर रखा है कि कोई आने वाला जब मेरे न रहते हुए या मैं यहां से अगर दुनिया छोड़ के निकल जाऊं इस समय तो मुझे मालूम है नहीं, कोई यहां का दरवाजा खोले तो कमी ये पता चले उस व्यक्ति को ये इस जंगल के अंदर अगर इसने ये अवार्ड ला रखे तो इसका मतलब इसके अंदर कोई खूबी रही होगी। तो ये समाज को दिखाने के लिए है कि ना कि मेरे ये ऐसा उस चीज के लिए है रखा हुआ कि साहब मुझे कोई आएगा कोई ये अवार्ड मिला है। ऐसे तो 50 मेरे घर में सैकड़ों पड़े हुए हैं विद्यालयों से, मैं हर फंक्शन में कार्य करता रहता हूँ। मतलब आपको जो है ये अब ये जो पुरस्कार है इसको आप आविष्कार रूप में देखते हो ताकि और लोगों को पता लगे, प्रेरणा मिले, अच्छा करो ऐसा मिलेगा और लोगों को पता लगे एक व्यक्ति यहाँ पर ऐसा भी था या है। बिल्कुल बिल्कुल ये सत्य वचन है और आपने सत्य बात बोली, ये मेरा प्रश्न अपने लिए नहीं है, ये जनता को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम है और जनता समझे।
मैं सरकार को दोषी न देता हूँ, न किसी उसको सरकारी तंत्र को या राजनीतिक तंत्र को किसी प्रकार को दोषी नहीं है, दोषी हम खुद है। आज मुझे अगर ये छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से या बम्बई महाराष्ट्र से अगर मुझे ये सम्मान पत्र मिले हैं तो मेरे उत्कृष्ट कार्य को देख के भी मिले होंगे। तो मैं लोगों को ये बोलता हूं कि भाई कि समय, थोड़ा सा समय लो किसी भी कार्य करने में, थोड़ा बुरे काम को छोड़ के यार कोई भले काम है अगर थोड़ा सा सूक्ष्म टाइम लेके आप ये काम कर सकते हो तो उस मेरे से आगे बढ़े, शुरुआत करें तो ऐसे करें जो पॉजिटिव हो, मैंने दिखे लोगों को बाकी ये चीजें जो है सचमुच धरातल पे खड़ी हैं। तो मैं कभी, आपने देखा होगा कि आपका संपर्क शायद मेरे यूट्यूब के उसमें कभी देखा होगा आपने, यार मैं कभी फेसबुक में डाल देता हूँ। नहीं, मैंने बहुत कई बार देखा, तभी मैं ऐसे जगह यार जाकर देखते हैं और लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। अब आपको यहाँ पे आपने हारमोनियम रखी हुई है, ये बजाते हैं हारमोनियम आप? जी थोड़ा सा, मैं थोड़ा कभी कभी जब आप यहाँ अकेले जंगल में हो तो थोड़ा मनोरंजन के लिए मैं कर लेता हूँ, तो मैं ये गाने भी ट्राई कर रहा था। ये अक्सर क्या गुनगुनाते हैं आप? अब गुनगुनान तो मैं प्रकृति के उसमें गुनगुनाता हूँ, प्रकृति के उसमें जैसे अब मेरा ये जैसा हुआ है ये कोई जैसे ये प्रकृति पेड़ों के प्रति जो है लगाव मेरा ना, तो मेरा ये वो रहता है कभी की फल फूल की डाली। मैं चाहूंगा साथियों एक मिनट आपको थोड़ा मनोरंजन में होना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा हारमोनियम निकाले, सिर्फ आधा मिनट, एक मिनट, दो लाइन खाली, क्योंकि लोग जब इस बाजे देखते हैं ना तो अपने गांव याद आ जाती है। कहने बजते हारमोनी, हारमोनी जो धुन है ना वो एक अलग ही बंदी। तो आज आपने हारमोनी की धुन भी आप सुन लो, आज आप मुझे बहुत जरूरी है, हमारा झिलझा जी का मुखाबिंदु सी और उंगली पर ध्यान ध्यान, यानी आप एक मल्टी क्या हो गए थे, मल्टी माइंडेड वाली खतरनाक। भाई लोगो माँ परिणाम गढ़वाली में अम्मी बिड़ते बड़े संतान संदेह दी सतान, लेकिन समस्या जैसे कि बहुत सारे लोग अपना पहाड़ से प्रेम कर दान, लेकिन वो तो पता नहीं कि हमारो पहाड़ कत सुनचा। अब गढ़वाली व्हाट इज अ लैंग्वेज इज अ मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि भाषा एक माध्यम है हमें आगे कम्युनिकेट करने का। तो जब हम समझेंगे कि क्या था और कैसे हो सकता है तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आप झिलझा जी थोड़ा सा आप निकालिए, अब आप जब मैं करिए तो टूटी फूटी जरी में बजली मैं इतना पड़ो तो करने पड़ो सिगड़ा तौर पर साथ में आ रखे हैं, फिर आप देख जरूर आप निकालिए। और भगवान तो मैं तड़ी भिनसाब करिए कि पहले तो मैं इतना पड़ो बेटा बनाई ये मैं सीढ़ी ऐसी चढ़ दो बिल्कुल अच्छा अब कदर छोटू होगी कुर्सी बिल्कुल बिल्कुल। कितने फुट के आप? ढाई फुट का। आप जितने ऊपर है ना भाई साहब उतने आप जमीन में नीचे भी हो, इसीलिए आप आज जमीन जुड़े हो क्यों सर? बिल्कुल होंगे जी। आप आगे आइए, आप लोग आइए देखिए जरा सा एक धुन अब आप सभी का मन मोह लेगी। और आज जंगल में मंगल जिसे कहते हैं सुना था आज हो भी गया, आज वाकई हम जंगल में मंगल कर रहे हैं। हाँ अब मित्रों जैसा होगा ये तो मुझे तो कोई ललक नहीं है इस चीज से, पर ये है कि गुनगुनाने के लिए थोड़ा कर देते हैं हम इस चीज का प्रोग्राम। ललक नहीं झलक। अब ये जो संग्रह है ये हमारे पूर्वजों का संग्रह है। आज के जमाने में कहीं हारमोनियम वगैरह नहीं मिलते हैं, अब ये कहीं म्यूजियम में रखने के लिए है, संग्रह करने के लिए लोग ले जाते हैं इसको। मेरे ताऊजी बहुत बजाते थे आज भी। अब मैं थोड़ा जब हमारे रतोड़ी जी ने जो थोड़ा वो कर दिया तो बुलवाती, मुझे नहीं पता क्या हारमोनियम भी है। अब मैं वैसे बजाना नहीं आता, बजाइए कैसे बजाइए। चलो जरी बोल तो जैसे भी हो। बहुत बढ़िया। Thank you.
यार इतने हो रहे। अरे कोई दिक्कत नहीं, तो बड़ी खुशी की बात है आपने। मैं और गीत नहीं जान लो रतन जी कहते हमने गीत नहीं गाना, गीत ने रीत निभानी है, एक संदेश देना है म्यूजिक के साथ में। चलो मसाला बढ़ो खाना डालो तब तब खाना बनाओ। अब ये कह रहे मैं तुम्हें बोल रहा, मैं गुड़वा मैं बोल रहा लोग मैं तो ही कि अकेले बिल्लू क्या तो कर लो। अब ये बिल्लू मानी बिल्लेश्वर नो बिल्लू हर भाषा में निकनेम जो है। अब यहां से अकेले बिल्लू क्या तो कर लो, इसके बाद लाइन क्या है कुछ तो लगाओ ना। वही है तो माने ये सुबह गढ़वाल कश्मीर बना हुआ फल फूलों की डाली है, पहिया लगा हुआ है, कुलई लगा हुआ, मतलब ये खत्म कर रहा है। कश्मीर से मतलब है ना, जो वहाँ का वहाँ फूल जो है वो जो मैं ज्यादा से नारा होती थोड़ा थोड़ा कोई बात अच्छा लगा बहुत अच्छा। धन्यवाद अतुल जी, जन भी मनोरंजन का खाता थोड़ा है ना, मगर संगीत बस संगीत चीनों पे चल रहे हैं जैसा वो बोलते हैं। उन्होंने हमको मतलब मैं संस्कृत के फील्ड में भी काम करता हूँ, उन्होंने उसमें मेरी बहुत मदद कर रखी है, उसमें उन्होंने काफी कुछ जानकारी दी तो उससे मेरा वो हुआ जो भी है। और मतलब ये इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत आप खुद देख चुके हैं और हम राजी के साथ हमेशा से। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 22। अच्छा आप संस्कृत के वो है मतलब।